योगी की भी समस्या अद्भुत है। योगी ये इंतजार कर रहा कि कहते ना कि बिल्ली के गले में घंटी कौन बांधे। बाबा बांधने लगे ये तो समझ में आया कि नाराजगी तो विरोधियों की हो रही थी। अब वो नजूल कानून पर जो एक विधेयक विधानसभा में उन्होंने पास किया, विधान परिषद में आकर के वो रुक गया। और कमाल की बात है कि विधान परिषद में यूपी में बहुमत है आपके पास, फिर भी वो रुक गया। योगी आदित्यनाथ किसी को माफ करने के मूड में नहीं है। वो तो ऐसे हैं कि कहते हैं कि यदि अपना भी मेरा यदि है और मेरी चोर है उसे सलाखों के पीछे भेजूंगा। लेकिन कमाल की बात है इसमें पार्टी के अंदर ही उनका विरोध हो गया और वो कानून पास नहीं हो पाया। यदि ऐसा पास होता तो पूरे इस फैजाबाद इलाके में, पूरे प्रयागराज इलाके में जो अवैध जमीनों पे कब्जा है उस पे नियंत्रण होता। मनीष जी, भाजपा की आस्तीन के सांप फिर सक्रिय हो गए, उनको बर्दाश्त नहीं हो रहा जो जो जूते पड़े थे भाजपा को, जो भाजपा यहाँ दूसरे तीसरे नंबर की पार्टी हो गई थी, समाजवादी पार्टी के पीछे हो गई थी। योगी आदित्यनाथ ने 2 महीने में तूफानी तेवरों से फिर लाके भाजपा को मेन मंच में खड़ा कर दिया था, लेकिन वो आस्तीन के सांप जो सत्ता का दूध पीने के लिए ललचा रहे हैं उनको बर्दाश्त नहीं हो रहा। ये मालूम मनीष जी क्यों हुआ है? यह सारा कुकर्म जो हुआ है विधान परिषद के अंदर, ये केवल क्योंकि ये आया कि योगी फिर ताकतवर हो रहे हैं, योगी फिर अपने उसी तेवर में है, तो इन्होंने उत्तर प्रदेश को ये संदेश देने की कोशिश की है कि योगी कमजोर है, योगी काम नहीं करने देंगे, योगी काम नहीं कर पा रहा, योगी कमजोर है, ये गलतफहमी में मत रहना। ये मोहित खान को संदेश दे रहे हैं, ये अवधेश पासी को संदेश दे रहे हैं, ये अखिलेश यादव को संदेश दे रहे हैं कि हम काम नहीं करने देंगे, योगी कमजोर है, ये इनका ये है इनकी करतूत। अन्यथा ये ऐसा कर संभव होता है मनीष जी कि जो पार्टी विधानसभा के अंदर सर्व बहुमत के साथ पास हो गया और विधान परिषद में बहुमत है, ये केशव प्रसाद मौर्य नेता है वहां पे विधान परिषद के, जो उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री बनना चाहते थे, और ये क्या संदेश देना चाहते हैं, और उसको सेलेक्ट कमेटी को भेज दिया गया। अब बताता हूँ मनीष जी की ये जो नजूल की भूमि जिसमें कह रहे गरीब गरीब गुरबा होता है, बड़ा गरीब आदमी गरीब नहीं होता है, पिछले 40 साल से तो मैं देख रहा हूं, मुझे होश है कि मनीष जी जमीन नजूल की जमीन बहुत पावरफुल जो सत्ता का दलाल होता है या अधिकारियों का बड़ा दलाल होता है, बड़े अधिकारियों का, वही आदमी उसी को नजूल की जमीन का पट्टा मिलता है। कभी किसी सामान्य आदमी को तो पट्टा मिला ही नहीं, पिछले 40 साल का इतिहास है ये, तो ये दलालों के लिए परेशान है। और वो अब आंकड़ा आ गया कि 75,000 एकड़ जमीन है। जरा बता दीजिएगा नजूल की भूमि, तो आम व्यूअर्स को समझ में आए क्या है नजूल की भूमि। हाँ जरा दर्शक समझ ले मनीष जी, नजूल की भूमि आप मोटा मोटा ये समझ लीजिए कि 1857 के गदर के बाद जो जो अंग्रेजों के खिलाफ थे, राजा रजवाड़े जमींदार नवाब जो भी थे, उनको वो जब अंग्रेजों का शासन हो गया 1857 में, तो मनीष जी वो लोग भागे अपनी जान बचा के, तो उनकी जमीनों पर अंग्रेजों ने कब्जा किया और उसको वो जमीन जो थी उसमें वो 1947 तक उनका चलता रहा, जो उनके खिलाफ होता था जमींदार राजा रजवाड़ा जो भी कर लीजिए, उसकी जमीन वो कब्जा कर लेते थे, अपने अपने उसमें ले लेते थे, एक तरह से अंग्रेजों के अधिकार में आ जाती थी। लेकिन वो जमीन उसको उसका एक अलग रिकॉर्ड था, तो वो उसको एक तरह से नजूल लैंड कहते थे। और वो जब 1947 में आजादी मिली तो वो जमीन जो है भारत सरकार के पास आ गई, तो कांग्रेसियों ने तो पहला काम किया कि जो उनके अले जमींदार राजा आ जाते उनको तो वापस कर दी, लेकिन फिर भी बहुत बड़ी तादाद में वो जमीन थी जो, क्योंकि कुछ ऐसी जमीनें थी जो 1857 से उन्होंने उन्होंने 1857 से लेकर 1880 तक कब्जा किया था, तो बहुतों के तो वारिस ही नहीं थे, वो लावारिस जमीन जिसे आप कह सकते हैं कि क्रांतिकारी बड़े बड़ी पवित्र जमीन है उसको आप कहते, बड़ी पवित्र भूमि की वो देश के लिए जिन्होंने अपने आप को मिटा दिया उनकी जमीनें थी, और वो सरकार के पास आ गई आजादी मिलने के बाद, तो वो उस जमीन को भूमाफियाओं के हाथ का खिलौना बनाने के लिए आज जब योगी आदित्यनाथ ने उन पर लठ चलाया, कहा कि ये सारी नजूल की जमीन वापस ली जाएगी और ये सरकार के काम में ली जाएगी, या फिर जो गरीबों के लिए हम प्रधानमंत्री आवास या मुख्यमंत्री आवास बनते हैं ये उस काम में लगाई जाएगी, ये सारे भूमाफिया इस पर कब्जा किए हुए हैं, तो उस पर केशव प्रसाद मौर्य के नेतृत्व में भाजपा ने विधान परिषद के अंदर अड़ंगा डाल दिया। केशव प्रसाद मौर्य नेता है मनीष जी विधान परिषद का, दर्शक इसको अच्छे से समझें। तो ये एक तरह से भूमाफिया के साथ कौन खड़ा है, योगी खड़े हैं कि केशव प्रसाद मौर्य खड़ा है, ये आपको तय करना पड़ेगा। और भाजपा की इन्हीं करतूतों की वजह से, इन्हीं कुकर्मों की वजह से ये हाल हुआ था लोकसभा में, लेकिन लगता है सबक नहीं सीखा है, क्योंकि मनीष जी भाजपा का प्रदेश अध्यक्ष वो भी वही भाषा बोल रहा है जो केशव प्रसाद मौर्य बोल रहे हैं।
जरा अंधेर देखिए, अभी अभी भिखारी 4 जून तक भिखारी वाली भिखमंगों वाली हैसियत में आ गए थे, कोई पूछ नहीं रहा था। उस बेहोश हालत से, भिखारी वाली हालत से 2 महीने के अंदर निकाल के योगी आदित्यनाथ लाए और इन्होंने फिर खुराफात शुरू कर दी। ये फिर एक तरह से भाजपा की पीठ में छुरा मार रहे हैं, इनके क्या स्वार्थ है? और दिल्ली दिल्ली खामोश है। ये हल्का, ये बड़ा बहुत गंभीर घटनाक्रम है। और दर्शक ये समझ लें कि इसीलिए भाजपा की दुर्दशा उत्तर प्रदेश में हमेशा होती रही है। इसी तरह के जयचंद हमेशा पलते रहे हैं, जिनके अपने स्वार्थ, निजी लिप्सा, निजी लंपटाई। और मैं फिर कह रहा हूं कि जरा योगी आदित्यनाथ को मनीष जी एक काम कर देना चाहिए। वो इन्होंने उसको रोक के सेलेक्ट कमेटी के पास भेज दिया, क्या मनमाने बदलाव करेंगे ये पता चल जाएगा 2 महीने के अंदर। लेकिन तब तक योगी आदित्यनाथ एक काम करें, ये समझ में आ जाएगा कि ये खड़े किसके साथ हैं। कि योगी आदित्यनाथ है तो मनीष जी बंदरबाट की नहीं, नजूल की जमीन की बची नहीं थी। ये किस सरकार के कार्यकाल में कितनी जमीन किन किन लोगों को आवंटित की गई, सारी कलई खुल के सामने आ जाएगी। कि ये जो भाजपा तड़प रही है विधान परिषद के अंदर, ये जो रोका है इस बिल को, तो ये समाजवादी पार्टी की मदद के लिए रोका है, ये बहुजन समाज पार्टी की मदद के लिए रोका है, ये कांग्रेस की मदद के लिए रोका, क्योंकि ये नजूल की जमीन बांटने का जो धंधा था, ये आजादी मिलने के बाद सबसे ज्यादा तो कांग्रेस ने किया, 40-45 साल तो उसने बांटी। और उसके बाद जब मौका मिला तो मुलायम सिंह ने बांटी, मायावती ने बांटी बसपा में, हालांकि बसपा में भी बहुत कम हुआ है, समाजवादी मुलायम सिंह के समय खूब बटी। तो कांग्रेस और मुलायम सिंह की पार्टी की उस कब्जा की हुई संपत्ति को, कब्जा कराई गई संपत्ति को, ये रोकने का काम केशव मौर्य के नेतृत्व में भाजपा ही कर रही है। जरा गौर करिए, ये क्या मेरे ख्याल से ये वाली डील तो नहीं चल रही कहीं कि तुम मेरी जमीन बचाओ मैं तुम्हारी सरकार बनवा दूंगा, जो अखिलेश यादव ने कहा था कि 100 लेके आ जाओ तो सरकार बनाओ, 100 लेके आ जाओ सरकार बनाओ, तो ये वाली सेटिंग है क्या ये वाली? अन्यथा आप दर्शकों को याद दिला दूं, यो केंद्र में नरेंद्र मोदी सरकार के पास जब राज्यसभा में भी बहुमत नहीं था, एक भी बिल, एक भी प्रस्ताव उनका राज्यसभा में नहीं रुका। और आपने 10 साल में कभी सुना कि मोदी सरकार ने लोकसभा से कोई बिल पास करके भेजा और उसको राज्यसभा में भाजपाइयों ने मना कर दिया? ये अंधेर है, ये अंधेर, ये आम आदमी की आंखों में, भाजपा समर्थकों की आंखों में ये धूल नहीं, मिर्चा झोंक रहे हैं, ये तेजाब डाल रहे हैं भाजपा समर्थकों की आंखों में। और योगी आदित्यनाथ के लिए कैसा जहर बो रहे हैं ये समझिए। ये नजूर वाला जो बिल है, ये इनके ऊपर मनीष जी, ये इनको बड़ा अच्छा लग रहा होगा, बड़े खुश हो रहे होंगे, आज बड़ा जश्न हो रहा होगा कि हमने योगी को बेइज्जत कर दिया, हमने संदेश दे दिया कि योगी कमजोर हो गया। लेकिन ये समझ में आएगा जिस समय जमीन पे जाओगे कितनी औकात है, अपना अपना बोली बूथ नहीं जीत पाया ये आदमी, और ये आदमी अभी भी योगी आदित्यनाथ का जहर बो रहा है। और ये नैरेटिव सर ये बनाया जा रहा है कि ये बैक बाउंस हो जाएगा, ये जो है इसमें कई जो है भाजपा समर्थक लोग हैं, क्योंकि भाजपा के ना सिर्फ केशव प्रसाद मौर्य बल्कि कई जो मंत्री मोदी सर ने योगी सरकार के हैं वो इसमें सामने आए हैं, और वो कह रहे हैं दरअसल क्या आपको लग रहा है कि जानबूझ करके जो ये बुलडोजर की छवि जो बन गई है, बुलडोजर मतलब योगी, उस बुलडोजर की छवि खराब करने की कोशिश है क्या? हाँ, मामा योगी को बेइज्जत करने के लिए, योगी को अपमानित करने के लिए ये मुख्यमंत्री विधानसभा से कुछ बिल अगर पास करवा के भेजेगा हम विधान परिषद में रोक देंगे, ये इतना कमजोर है, ये इसके कोई बचका नहीं है। और तब जबकि पार्टी को विधान परिषद में भी बहुमत है। और बहुमत होते हुए यही, तभी तो मैंने कहा अपमानित करने के लिए मुख्यमंत्री को यह कुकर्म किया गया है। और किसके लिए किया गया है? समाजवादी पार्टी को खुश करने के लिए किया गया है, कांग्रेस को खुश करने के लिए किया गया है। और जरा दुर्भाग्य देखिए, दिल्ली अब भी आंखें बंद किया है, ये काम विधान परिषद में नेता डिप्टी चीफ मिनिस्टर कर रहा है और पार्टी का अध्यक्ष कर रहा है जो प्रदेश अध्यक्ष है, शर्म नहीं आई दोनों को? अरे तुमको कोई आपत्ति थी तो जरा पहले जाके मिल लेते, बता देते, इस तरह से अपमानित करोगे सरकार को, अपनी सरकार को। तो ये जो बैठे हैं मठाधीश, जिनको बड़ा आनंद आ रहा होगा कि हमने निपटा दिया, निपट तो पूरी पार्टी जाएगी मनीष जी, योगी नहीं निपटेगा। योगी बिजली के 11,000 वोल्ट का करंट है, छू लोगे निपट जाओगे। और आपकी जरा सा उल्टा चला गया था तो औकात में आ गए थे, सब आ गए थे औकात में, पूरी भाजपा लग के। और इस तरह के जब करोगे तो फिर अपने लिए तुम थाली तैयार करो, या तो फिर मनीष जी, इन लोगों की सबकी सेटिंग हो चुकी है कि हम 2027 से पहले पार्टी छोड़ के समाजवादी पार्टी में चले जाएंगे। ये दर्शक अच्छे से समझ लें और मेरी बात नोट कर लें
कि इन सब की सेटिंग हो चुकी कि हम योगी को तबाह करेंगे, नाश करेंगे, पार्टी के जहर, पार्टी की जड़ों में मट्ठा डालेंगे और इतना कमजोर कर देंगे कि 2027 में तुम्हारी सरकार आ जाए और हम फिर उसका पार्टी छोड़ के आ जाएंगे। अखिलेश यादव कह चुका कि 100 लेके आ जाओ, सरकार बना लो। तो ये आस्तीन के सांप है भाजपा, एक भाजपा के जो भाजपा को निपटाने के लिए अखिलेश यादव ने छोड़ा है। और इसीलिए ये कांग्रेस और मनीष जी ये जितना हुआ है, भाजपा के 10-20 जो भ्रष्ट नेता है, जो बंगलों पर कब्जा किए हैं, बड़े बड़े बंगलों को कब्जा किए हैं, 50-50 करोड़ रुपए जिन बंगलों की कीमत है, उन बंगलों पर कब्जा किए हैं, उनकी लंपटाई, उनका लोभ लालच और इन लोगों का सत्ता का दलाली, ये है इसका कारण जो आज ये रोका गया है। अन्यथा मनीष जी पूर्ण बहुमत का, विधान परिषद में पूर्ण बहुमत हो और उसके बाद सरकार का बिल रोक दिया जाए, ये सोच, ये अपमानजनक है और संभवतः उत्तर प्रदेश के विधानसभा के इतिहास में यह पहली बार हुआ है कि पूर्ण बहुमत की सरकार के विधानसभा से पास करती है और विधान परिषद में उसका पूर्ण बहुमत है और उसका बिल रोक दिया जाता है, उसको सेलेक्ट कमेटी के पास भेज दिया जाता है। ये योगी को अपमानित करने के लिए किया गया है। और जो चुप्पे बैठे हैं, वो 3 साल और मौज ले लें, 3 साल और मौज ले लें, और अब वो भी अगर योगी रहे 3 साल तो, और 3 साल बाद अगर राजनीतिक भिखमंगों की हैसियत ना हो गई तो समझ में आ जाएगा। अगर योगी को छेड़ के देखो, और ये देख चुके हो कि मोदी का जलवा भी यूपी में काम नहीं आया, ये 2024 के लोकसभा चुनाव इसने दिखा दिया कि यहाँ कितना जलवा चला योगी और शाह, मोदी और शाह का, सब आके लग गए। अगर योगी ना होते तो ये सीटें होती 13, जो 33 है इसमें होती 13। वो योगी ने गोरखपुर मंडल किस तरह से जिताया है वो सब जानते हैं, और कुछ सीटें व्यक्तिगत है जो योगी की बदौलत जीते हैं। तो ये जो सपना देख रहा, तो बस 3 साल और मौज ले लो। और इसीलिए उत्तर प्रदेश में भाजपा की कभी जड़े मनीष जी जमी नहीं पाई। यहाँ कल्याण सिंह बड़े नेता होते, मतलब स्काई इज द लिमिट, कल्याण सिंह का कद हुआ तो कैसे उसके पीछे भूत पड़ गए थे, 4 भूत लगे कल्याण सिंह को निपटाने में, निपटा दिया उन्होंने, उसमें वो सफल हो गए। लेकिन उसके साथ भाजपा भी निपट गई और 10 साल तक राजनीतिक भिखारियों की स्थिति उत्तर प्रदेश में रही। मैं कई बार बता चुका हूँ कि 2002 से और 2014-12 साल राजनीतिक भिखमंगा, कभी तीसरे कभी चौथे, कभी तीसरे कभी चौथे, कोई गिनती नहीं थे, न कोई पूछता था, ना भाजपा पूछता था, ना आरएसएस को पूछता था, सबने जोर लगा लिया था। और ये जैसे कल्याण सिंह को निपटाया था, वही गंदा खेल, वही घिनौना खेल, वही जहरीला खेल ये इन्होंने फिर योगी के साथ शुरू किया है। हम लोग कह रहे थे कि शांति हो गई, लेकिन ये माने नहीं, 2 महीने बाद इन्होंने फिर कुकर्म शुरू किया, फिर वही खुराफात ये शुरू कर रहे हैं। ये आत्मघाती खुराफात है। और निश्चित तौर पे इनका समझौता अब समाजवादी पार्टी से हो चुका है कि 2027 में हम पार्टी छोड़ के आ जाएंगे और भाजपा को तब तक हम निपटा देंगे। बिल्कुल, और इसलिए जरूरी है कि जो राष्ट्रवादी दर्शक हैं, जो वोटर हैं, उनको भी समझ में आए कि आस्तीन के सांप कौन है। और सर यदि ये दुर्गति रही तो अब 6 महीना भी नहीं बचा, कुछ महीने बचे हुए हैं। मुझे लग रहा है कि अगस्त के आखिर तक महाराष्ट्र और हरियाणा के चुनाव की तारीख की घोषणा हो जाएगी। तो यदि ये रवैया रहा तो महाराष्ट्र आज की तारीख में यूपी के बाद सबसे बड़ा विधानसभा उसके नहीं, नहीं तो अब की मनी जी वहां पे योगी आदित्यनाथ, जैसे आपको ध्यान होगा मोदी कई जगह मना कर देते थे कि उस चुनाव में हम प्रचार करने नहीं जाएंगे, तो योगी आदित्यनाथ भी कहते कि हम नहीं जाएंगे प्रचार करने, ना हरियाणा में जाएंगे, ना महाराष्ट्र में जाएंगे, ये केशव मौर्य को बुला लो, ये आदमी बड़ा काबिल है, यही जिता देगा। और योगी बिल्कुल घोषित करके कहें कि अब ये केशव मौर्य को जिताओ, यही जिताएगा। वो तो अपना विधानसभा तो जीत ही नहीं पाता, तो महाराष्ट्र में हरियाणा में क्या जिताएगा? हो सकता है हरियाणा जिता दे, हो सकता है महाराष्ट्र जिता दे, बड़ा कलाकार आदमी है, और यहाँ का जो प्रदेश अध्यक्ष भाजपा का, उसको भेजे की जा तुम भी वहां कुछ उखाड़ो, तुम भी बड़ा तीर मारो, क्योंकि यहाँ जब तुम योगी से लड़ सकते हो तो फिर जहां जाओ कांग्रेस कांग्रेस से लड़ो। ये अब ये हो रहा है, योगी आदित्यनाथ को वही करना चाहिए। और प्रधानमंत्री मोदी जब गुजरात के मुख्यमंत्री थे तो वो ये कर चुके थे कि अब हम नहीं जा पाएंगे, हमारी तबीयत खराब है, जरा जाए लड़े। ये चौंकाता है निश्चित रूप से। और इसीलिए जब हम लोग अक्सर कहते हैं कि आपके दुश्मन जो सही मायने में दुश्मन है वो तो आपके पहचान में होती है, बीस बाईस भ्रष्ट नेता जो नजूल की जमीन कब्जा किए हुए हैं, जो भाजपा में आ गए हैं, उन भ्रष्ट नेताओं और सत्ता के लोभी लंपटों की वजह से उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री को आज अपमानित होना पड़ा है विधान परिषद में, ये समझिए। वो जो है जिनके बाप दादों ने जो कांग्रेस की दलाली करते थे, कांग्रेस के उन्होंने बड़े बड़े बंगले ले लिए थे, अब उनको आग लगी हुई है कि अरे यदि योगी के चक्कर में तो बंगला छोड़ना पड़ेगा, 50-50 करोड़ उनकी कीमत है बंगलों की। तो ये उसके लिए योगी को अपमानित कर रहे हैं, भाजपा को मिट्टी में मिला रहे हैं, मिट्टी में
ये मेरा नोट कर लीजिए मनीष जी। बिल्कुल, और इससे एक चीज और लगता है सर कि जिस तरह से बलिया में हुआ, नरही थाने का पूरा पूरा थाना जो है निलंबित करके थाने में ताला लगा दिया गया, पता चला कई पॉलिटिकल पार्टी के नेताओं की हिस्सेदारी थी, दोनों पार्टी के, सत्ता और विपक्ष के पार्टी के, क्योंकि सिपाही यदि रात में 5-5, 10-10 लाख रुपए कमा रहा एक थाना, तो तय सी बात है कि सफेद पोशों के पास जा रही है पैसे। तो योगी जो इन सब पे कंट्रोल और प्लट चला रहे हैं, ये भी वजह, वरना सत्ताधारी पार्टी जिसका विधानसभा में, विधान परिषद में भी बहुमत है, बिल रुक जाए। और ये 20-22 भ्रष्ट नेता, बेईमान नेता भाजपा के, जो कब्जा किए हैं नजूल की जमीन पे, मिट्टी मोल दाम पे, ये किसकी मदद कर रहा है? मैंने आपको हिस्ट्री बताई कि ये 1947 से 90 तक उत्तर प्रदेश में नजूल की जमीन तो कांग्रेस ने बांटी, उसके बाद मुलायम सिंह ने बांटी, बसपा में कम बटी है, तो ये मदद कर रहे हैं कांग्रेसियों की, ये कांग्रेसी आकाओं को खुश कर रहे हैं, क्योंकि योगी आदित्यनाथ जो छुड़वाएंगे जमीन, तो वो कांग्रेस के दलालों चाटकारों के पास जो जमीन थी वो छुड़वाएंगे। तो ये समझ लीजिए कि ये कितने नीच स्तर पे, निचले स्तर पे गिर गए हैं, कितने घटिया स्तर पे गिर गए हैं, कि इनको शर्म नहीं आ रही कि कर क्या रहे हैं, कौन सा पाप कर रहे हैं। ये कांग्रेस को मजबूत कर रहे हैं, समाजवादी पार्टी को मजबूत कर रहे हैं, उसका सहयोग और समर्थन कर रहे हैं इस बिल को रोक के, क्योंकि इनके बाप दादों ने जो बंगला कांग्रेस की दलाली करके पाया था वो बंगला इनका बचा रहे और इनकी सत्ता की मलाई चलती रहे, ये है इसका पूरा खेल। और ये खेल इसीलिए साफ है क्योंकि योगी ने तो साफ कहा था कि एक भी आदमी जिसके पास प्रूफ होगा जमीन का, उसे वहां से नहीं हटाया जाएगा। तो फिर साफ है कि ये जो एक नैरेटिव चलाया जा रहा है कि गरीब गुरबों के घर बुलडोजर चलाया जाएगा, तो इससे सरकार के ऊपर ये एक नैरेटिव ये चला रहे हैं, ये पूरा जो आस्तीन के सांप है ये कह रहे हैं कि योगी के सेक्शन से जो बीजेपी के वोटर है, सही मायने में उनकी जमीन है, यही करतूते रही मनीष जी। अगर 2024 में जो जूते पड़े हैं, अगर इसके बाद भी सबक नहीं सीखा जो योगी आदित्यनाथ उभार के लिए आए थे, यही करतूते रहे, तो चिंता ना करो, जनता का बुलडोजर तुम्हारे ऊपर चलेगा, तुम्हारे ऊपर चलेगा, बड़े बुरी रौंदता हुआ चलेगा, ये भाजपा में चलेगा मनीष जी, ये तो भाग गया, भाग के खड़े हो जाएंगे समाजवादी पार्टी में, ये चले जाएंगे समाजवादी पार्टी, कांग्रेस कहीं जाके अपना घंटा बजाएंगे, भाजपा में बुलडोजर ये चलवा के जाएंगे।